नमस्कार, गीता किचन में आपको स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्लेन पास्ता। पास्ता बनाने के लिए हम देखिए क्या क्या लिए हैं। देखिए हम लिए हैं पास्ता, देखिए, और लिए हैं गाजर, प्याज, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, और हम लिए हैं पास्ता मसाला। और मसाले में लिए हैं गरम मसाला और मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर। एक चम्मच सोया सॉस डाल देंगे, एक चम्मच विनेगर। पहले हम पास्ते को धुल लें दो पानी में, फिर डाल दें। देखिए हम पास्ता को दो बार धुल लिए हैं, अब हम इसको बॉईल करेंगे। गैस को करेंगे ऑन। इसमें हम डालेंगे दो गिलास पानी, दो गिलास पानी डाल दिए। इसमें हम डालेंगे ऑयल, जो भी ऑयल, ऐसे हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। देखिए चिपकने की वजह से ऑयल डालना पड़ता है। देखिए पानी गर्म हो गया हमारा, अब इसमें हम पास्ते को ऐसे डालकर बॉईल कर लेंगे पहले 10 मिनट के लिए। देखिए ऐसे बीच बीच में इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे पकड़ लेता है, जलने लगता है, इसलिए रुक रुक कर ऐसे चला देना। देखिए पास्ता मेरा बॉईल हो गया है, अब हम इसको ठंडे पानी से पहले धुल लेंगे, नहीं तो ज़्यादा बॉयल हो जाएगा। गैस को ऑफ कर दें और इसको हम देखिए ऐसे एक चन्नी जो होती है हरा वाली या कोई भी छन्नी हो, इसी में रख कर और पानी से धुल लेंगे, निकाल लें। देखिए हम ऐसे इसी चलनी में ऐसे धुल लेते। आइए अब हम पास्ते को तैयार कर लें। देखिए कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच तेल। देखिए अब हम पहले प्याज को इस तेल में डालेंगे, डाल देंगे गाजर, इसको भी जरा सा भून लें। देखिए अब शिमला मिर्च और हरी मिर्च दोनों साथ में डाल देंगे। आप चाहे पत्ता गोभी कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, मेरे पास इतना था मैं डाल दूँ। अब देखिए इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे और साथ में मटर भी डाल देंगे। इसमें हम नमक पहले डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार, क्योंकि गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हम डालेंगे हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर, गरम मसाला इसी के अनुसार हम ले लिए थी। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी पहले। इसमें हम पास्ता डाल देंगे। आइए इसमें हम पास्ता मसाला डाल दें। देखिए पास्ता मसाला भी डाल दिए हम। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच विनेगर। देखिए इतना विनेगर डाल देंगे, इतना ही सोया सॉस। देखिए अब इसको हम एक मिनट पका लेंगे, बस हो गया। देखिए मेरा पास्ता बनकर तैयार हो गया है, इसको हम सर्व कर दें। देखिए हमने पास्ता को सर्व कर दिया। ऐसे
मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।